सबसे पहले मैं अपने समस्त ग्रामवासियों को सत सत नमन करता हूँ और एक शैक्षणिक मुद्दा लेकर के आया हूँ शिक्षा में सुधार हेतु। जैसे मैं उस जगह की बात करता हूँ, मैं राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय सिंघारा के बारे में बात कर रहा हूँ। राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय सिंघारा, जिसे आदर्श मध्य विद्यालय सिंघारा भी बोलते हैं या जिसे मिडिल स्कूल सिंघारा भी बोलते हैं, उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि यह लगभग 140 साल पुराना है। यह स्कूल लगभग 140 साल पुराना है। मान कर चलिए कि यह बिहार में अगर सबसे पुराने स्कूल में इसका नाम आए, सबसे पुराने स्कूल के लिस्ट अगर निकालेंगे तो उसमें इस मध्य विद्यालय सिंघारा का नाम आता है। लेकिन इसकी जो व्यवस्था है, इसमें कुछ त्रुटियां हैं, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, उसी मुद्दे को मैं लेकर के आप सभी के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कृपया इन्हें ध्यान से सुने ताकि हम लोग इस समस्या का समाधान करने में समर्थ हो। सबसे पहले तो ये पहला है कि हमारे इस स्कूल में अभी सेशन 1 अप्रैल से शुरू हो गया है पढ़ाई लिखाई का, और क्लास 8 के बच्चों को बुक नहीं मिला है लगभग 45 दिन। आज तो 18 तारीख हो गया, तो लगभग 45 से 48 दिनों में अभी तक बुक बच्चे लोगों को, क्लास 8 के बच्चे को बुक नहीं मिले हैं। अब जब बुक नहीं मिलेंगे तो बच्चे पढ़ाई कैसे करेंगे, तो ये सोचने वाली बात है कि बिना बच्चे का, जैसे हमारे बच्चे हो, आपके बच्चे हो या किसी टीचर के बच्चे हो, तब अगर 1.5 महीना बच्चे को अगर बुक ना मिले तो फिर वो कैसे पढ़ेंगे। सरकारी बुक मिलता है तो इसलिए गवर्नमेंट देती है और हेडमास्टर साहब अरेंज कराते हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी नंबर ये है कि यहाँ बच्चों को बैठने के लिए बेंच और डेस्क की व्यवस्था नहीं है। अभी तो समझ जाइए कि हर जगह बेंच डेस्क का व्यवस्था किया गया है, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, और गवर्नमेंट भी कहते ही है कि बच्चों को बैठने का समुचित उपाय किया जाए। क्योंकि जब तक हम बैठने के लिए बच्चों को सुविधा नहीं देंगे, बच्चे बैठेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे। तो इसलिए बेंच की कुछ तो क्लास में है, जैसे क्लास 8 में कुछ बेंच है, क्लास 7 में कुछ बेंच है, क्लास 3, 4, 5, 6 में बेंच है ही नहीं, है ना। तो मैं चाहता हूँ कि सभी जगह बेंच की व्यवस्था हो जाए, क्योंकि गवर्नमेंट का भी प्रोविज़न है कि हमारे व्यवस्था दुरुस्त होना चाहिए। तीसरा नंबर हमारा पॉइंट्स ये है कि हमारे स्कूल में बिजली का कनेक्शन है, लेकिन बच्चों को जब क्लास लेते हैं तो उस समय उसमें पंखा की व्यवस्था नहीं है। तो कम से कम इस तपती हुई धूप में, जब 40-45 डिग्री सेल्सियस का तापमान रहता है, तो कम से कम पंखे की ज़रूरत तो है ही, और कम से कम पंखे लगा दिया जाए जिससे कि बच्चे लोगों को पढ़ाई में सुविधा हो। क्योंकि जब तक हम लोग बच्चों को सुविधा नहीं देंगे तब तक बच्चे पढ़ेंगे कैसे। चौथा हमारा मुद्दा ये है कि मिडिल स्कूल सिंघारा में बॉयज़ लोगों को वाशरूम जाने के लिए शौचालय का व्यवस्था नहीं है, जिसको शौचालय कहिए या टॉयलेट कहिए या वाशरूम कहिए। तो मैंने कई सारे बच्चों से पूछा कि तुम लोग कैसे जाते हो, शौचालय कैसे जाते हो, वाशरूम कैसे जाते हो, पेशाब करने कैसे जाते हो। तो बच्चे बताते हैं कि अगर वाशरूम मुझे जाना होता है तो स्कूल के पीछे चले जाते हैं और मुझे 10 मिनट जाना है तो हम लोग के पास वहाँ तो बाथरूम है नहीं बना हुआ, और शौचालय है नहीं, टॉयलेट है नहीं, तो हम लोग घर चले जाते हैं। जिसके पास साइकिल है वो साइकिल से चले जाते हैं, जिनके पास जो साइकिल नहीं है वो पैदल चले जाते हैं। तो इन सबों का व्यवस्था होना चाहिए। अब कहेंगे कि भाई जब ये सब इतना दिक्कत है हमारे स्कूल में, और थोड़ा पढ़ाई का प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए। इसीलिए पढ़ाई का प्रॉपर व्यवस्था होना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल वाले जिनके टीचर की सैलरी 2,000, 3,000, 4,000 या 5,000 होता है, तो 4-5 हज़ार में पढ़ाने वाले टीचर जब इतना बेहतर ढंग से पढ़ा सकते हैं, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा सकते हैं, तो हमारे यहाँ जो हम मिडिल स्कूल सिंघारा के जो भी टीचर हैं वो तो या तो DL.ED किए हुए हैं, BEd किए हुए हैं, पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं, या ग्रेजुएशन किया हुआ है, टीचर्स ट्रेनिंग किए हुए है, हर तरह से 100% क्वालिफाइड है। अगर मान करके चलिए इनको सैलरी जो मिलती है प्राइवेट स्कूल के सैलरी से 10 गुना ज़्यादा मिलता है, तो प्राइवेट स्कूल के सैलरी से 10 गुना ज़्यादा मिलता है तो कम से कम 10 गुना नहीं, कम से कम 1 गुना तो पढ़ाना चाहिए।
तो कम से कम हम चाहते हैं कि जो भी टीचर लोग हैं अच्छा से पढ़ाएं, ताकि हमारे यहाँ के रिजल्ट बेटर आए। दूसरी और कहेंगे कि भाई जब हमारे यहाँ ये सब प्रॉब्लम है, क्लास ढंग से अगर नहीं चल पाती है, किसी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम चल रहा है, तो पेरेंट्स क्यों नहीं बोलते हैं? पेरेंट्स इसीलिए नहीं बोलते हैं, माता पिता इसलिए नहीं बोलते हैं, क्योंकि वो उसमें इस स्कूल जो सरकारी स्कूल में वही बच्चे पढ़ते हैं जो गरीब तबके के होते हैं, जैसे जो घास गढ़ने वाले के बच्चे होते हैं, बैल भैंस बकरी चराने वाले के बच्चे होते हैं, या बर्तन साफ करने के वाले बच्चे होते हैं, अंडा बेचने वाले, मजदूरी करने वाले, अति पिछड़ी वर्ग के लोग होते हैं, या अगर उच्च जाति के लोगों के भी बच्चे हैं, तो उनके पास आर्थिक स्थिति कमज़ोर रहती है, उनके बच्चे हैं, तो ये लोग डर से इसलिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, क्योंकि अगर आवाज़ उठाएंगे, हेडमास्टर साहब से कुछ कंप्लेन करेंगे, तो वो नाम ही काट करके हटा देंगे, और नाम काट करके हटा देंगे तो बड़ी मुश्किल से एडमिशन हुआ है, फिर हम उसके बाद नाम कैसे लिखवाएंगे? तो कम से कम खिचड़ी चोखा भी जो मिल रहा है बच्चे को, वो भी मिलना बंद हो जाएगा। और मान के चलिए कि साल भर में कुछ हज़ार 500 रुपया गवर्नमेंट से मिल रहा है, वो भी बंद हो जाएगा। तो कम से कम इस चीज़ का हम लोगों को जिम्मेदारी बनता है कि कम से कम हमारे समाज में इतने बड़े इंस्टीट्यूट है, 140 साल पुराना है, समझ जाइए 140 साल पुराना स्कूल है, इसका इतिहास इतना अच्छा है, मतलब इसमें कम से कम इस मिडिल स्कूल सिंघाड़ा से कुछ नहीं तो कम से कम हजारों हजार लोग मतलब MBA किए हैं, इंजीनियरिंग किए हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में गए हैं, हजारों हजार बच्चे पास करके गए हैं, और उस स्कूल की दशा अगर ख़राब हो जाएगी तो फिर हमारा भविष्य क्या होगा? कई पीढ़ियाँ हमारा चरमरा जाएगी। इसीलिए मैं हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूँ कि सारे लोगों को कि इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये मैसेज दूसरे लोगों तक भी जाए, और सारे जो पेरेंट्स हैं कम से कम अपने बच्चों के हित के बारे में सोचें, क्योंकि अगर बच्चों के हित के बारे में नहीं सोचेंगे तब उनका पूरे बच्चों का 70 साल 80 साल पूरे जनरेशन खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोग के ये गाँव का स्कूल है, गाँव को अगर संगठित अच्छा करना है, गांव का अगर विकास हम लोग चाहते हैं, तो कम से कम इस पे संज्ञान लिया जाए। और मैं हेडमास्टर साहब से प्रार्थना करता हूं कि हमारे यहां हर साल ऑडिट भी करवाते होंगे, ये सब रिपोर्टिंग भी करते होंगे कि कितना फंड बचा हुआ है, कितना फंड नहीं बचा हुआ है, तो सारे कुछ। उसके बाद प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी भी आपके स्कूल में आते हैं, DM साहब भी आते हैं, जिला शिक्षा पदाधिकारी भी आते हैं, बहुत सारी इंक्वायरी भी होती रहती है, लेकिन सब कुछ ओवरऑल होने के बाद हमारे यहाँ जो आउटपुट की व्यवस्था है वो बेटर नहीं है। तो कम से कम इस पे ध्यान आकृष्ट मैं कराना चाहता हूँ कि आप लोगों से सादर प्रणाम है, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि कम से कम इस पे बेहतर काम किया जाए, एक प्लानिंग किया जाए कि हम बच्चे को कैसे पढ़वाएं, हम अपने स्टाफ को कैसे कंट्रोल करें, ताकि हमारे टीचर अच्छे से पढ़ाए, हमारे बच्चों को आउटपुट अच्छा से निकले, और बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो। तो इन सारे बातों को मैं ध्यान आकृष्ट करता हूँ। इसी के साथ आप सभी ने मेरा बात सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टू ईच एंड एवरीबॉडी।